हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस के इस खास वीडियो में। जी हाँ, कई दिनों के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से लगातार दोनों कीमती धातु में भारी तेजी देखी गई है, लेकिन आज कीमतों में पहली बार भारी गिरावट देखी गई है। इसी के साथ में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने भी सोने और चांदी की खरीदी को लेकर यहाँ पर जानकारी दे दी है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम रोजाना आपको काम की बड़ी खबरें देते रहे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्म अष्टमी पर शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपकी सारी मनोकामना पूरी होती रहे। और वो कहते हैं ना, रूप बड़ा प्यारा है, चेहरा बड़ा निराला है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत को कन्हैया जी ने पल भर में हल कर डाला है। ऐसे ही आपके जीवन में जितनी भी मुश्किल है उन्हें भी कन्हैया जी दूर कर दे। ओके, तो बढ़ते खबरों की ओर। तो यहाँ पर 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे की भारत सरकार। जी हाँ, जानलेवा बीमारी की वजह से कई लोगों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन ऐसे में अब भारत सरकार हर व्यक्ति की मदद के लिए सीधे खातों में पैसे भिजवा रही है। हाल ही में सरकार ने बिना किसी पहचान पत्र के 10,000 रुपए तक की लोन की व्यवस्था भी करवाई। हाल ही के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय पोषण सुविधा की शुरुआत भी की। और इतना ही नहीं बल्कि देश में संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की है। इन योजनाओं के समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कई बड़े कदमों का ऐलान किया। वही पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता राशि की 6ठी किस्त भी जारी की गई है, और इस योजना में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। संकट के दौर में ये योजना किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। चलिए, तो काम की बड़ी खबर है कि स्विगी ने शुरू की नई सेवा, 45 मिनट के भीतर घर पहुंचाएगी राशन का सामान। जी हाँ, कोरोना काल की वजह से स्विगी जोमेटो जैसी कई फूड डिलीवरी कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लोगों को बाहर से नाश्ता मंगवाने में डर रहता है। इतना ही नहीं बल्कि लोग अब फिजूल खर्चे भी कम करते हैं। ऐसे में अब स्विगी ने नया कदम उठा दिया है। स्विगी अब लोगों की जरूरतों को देखते हुए फल और सब्जियां 30 से 40 मिनट के अंदर ग्राहकों तक पहुंचाएगी। स्विगी के मुताबिक ऑर्डर मिलने के बाद 30 से 40 मिनट के भीतर सामान की होम डिलीवरी कर दी जाएगी। ये सुविधा सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि स्विगी की ये फैसिलिटी कुछ ही शहर और राज्य में शुरू हुई है, लेकिन अब इसे धीरे धीरे और भी राज्य और शहरों में शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, तो बड़ी खबर है कि राफेल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर बनेगा भारत, भारत में ही बनेंगे घातक हथियार। जी हाँ, संकट की इस घड़ी ने भारत को आत्मनिर्भर बनने की राह दे दी है। भारत का लगातार देशवासी और देश के नौजवान से आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रही है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन से कई सारी भारतीय कंपनियां उभर कर आई है, जिन्होंने करोड़ों की कमाई कर दी है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों के आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि अब भारत अपने ही देश में हथियारों को बनाएगा। धीरे धीरे करके भारत में ही सारे हथियार बनेंगे और भारत एक आत्मनिर्भर देश जल्दी बनेगा। वहीं आपको बता दें कि चीन ने भारत के साथ में बेबुनियाद विवाद खड़ा करके अपनी ही कंपनियों को तबाह कर दिया है। ऐसे में भारत को भी आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने हाल ही में कई विदेशी आयात पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब भारत में ही
हथियार बनेंगे और भारतीय सेना ही उन हथियारों से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर आप भी चाहते हो कि भारत आत्मनिर्भर देश बने, किसी की मदद जरूर करे लेकिन किसी देश के सामने हाथ न फैलाए, तो नीचे कमेंट करके जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। चलिए तो बड़ी खबर है कि चीनी लैपटॉप और कैमरे पर सरकार का बड़ा एक्शन, भारतीय कंपनियों को मिलेगा तगड़ा फायदा। जी हां, भारत के साथ में चीन ने बेबुनियाद विवाद खड़ा करके अपनी ही कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। हाल ही में भारत ने कई सारी चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, कई सामानों पर प्रतिबंध लगा दिए और ऐसे में अब भारत सरकार एक और बड़ा एक्शन करने वाली है। दरअसल सरकार जल्दी करीब 20 से ज्यादा सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के बारे में सोच रही है, जिसमें लैपटॉप, कैमरे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाजार में अभी भी कई सारी चीनी कंपनियां राज करती है और इन्हीं चीनी कंपनियों को वापस से चीन भेजने के लिए सरकार कड़ी रणनीति अपनाने जा रही है। कई सारे सामानों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने वाली है तो कई सामानों को प्रतिबंधित करने वाली है। चलिए तो काम की बड़ी खबर है कि आम आदमी को मिला बड़ा तोहफा, इन तीन सरकारी बैंकों ने सस्ता किया कर्ज। जी हां, RBI ने हाल ही में कई बड़े फैसले किए जिससे कि देशवासियों को बड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि सोने को लेकर भी RBI ने बड़ा फैसला किया, जिसमें अब अगर कोई व्यक्ति सोने के एवज में लोन लेता है तो उसे लोन की राशि में सोने के 90% मूल्य पर लोन मिलेगा। पहले ये 70% तक था लेकिन अब इसे 90% तक कर दिया गया है और इसी के साथ में लोन लेने पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती कर दी है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जाने कितना सस्ता हुआ सोना। जी हां, लंबे समय के इंतजार के बाद आज दोनों कीमती धातु में भारी गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिन भी दोनों कीमती धातु में गिरावट देखी गई थी और ऐसे में आज भी यानी कि दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई है। वही अगर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। उनका मानना है कि डॉलर में मजबूती आती है, यानी कि आने वाले दिनों में डॉलर में और भी ज्यादा मजबूती आती है तो सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा सकती है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 3,000 रुपए तक की भारी गिरावट देखी गई। वही गिरावट के बाद चांदी का भाव 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। वही आपको बता दे कि चांदी के साथ सोने की कीमतों में भी आज गिरावट देखी गई है। वही 22K सोने की कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में 1,200 रुपए तक की बड़ी गिरावट देखी गई। ऐसे में 22K सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,345 रुपए, 8 ग्राम पर 42,760 रुपए, 10 ग्राम पर 53,450 रुपए, 100 ग्राम पर 534,500 रुपए 22K सोने का भाव पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दे कि 22K सोने से सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है लेकिन 24K शुद्ध सोने से सोने की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। 24K सोने की कीमतों की बात करें तो यहां पर 1 ग्राम पर 5,470 रुपए, 8 ग्राम पर 43,760 रुपए, 10 ग्राम पर 54,700 रुपए, 100 ग्राम पर 547,000 रुपए 24K सोने का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आपको बता दे कि भारत के कई शहरों में सोने के भाव में फर्क होता है। ऐसे में भारत के बड़े शहरों में 22K और 24K सोने की कीमतों की बात करें, यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ,
कोयंबटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्रेस यहां पर आपको दी गई है। अगर आप भी अपने राज्य के सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपने राज्य का नाम अवश्य लिखे। वही जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी में अनिश्चितता बनी हुई है, यानी कि दोनों कीमती धातु में भारी तेजी और भारी गिरावट देखी जा सकती है। अगर आप भी सोने और चांदी के भावों से अपडेट रहना चाहते हो, रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भावों को देते हैं, साथ ही में काम की बड़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।